दोस्तों, आप सभी का हमारे कुकिंग में स्वागत है। आम का सीजन है तो आम के सीजन में तो आइसक्रीम बनना चाहिए और आम का सीजन समाप्त होने वाली भी है, तो चलिए आम का आइसक्रीम बनाते हैं। ठंडा ठंडा कूल कूल बच्चे लोग को बहुत पसंद है। अरे बच्चे को क्यों भाई, बड़े को भी पसंद है। इस तरह से 4-5 आम लिए थे, पीला पीला सबको कटिंग करके रेडी किए हैं और आधा केजी दूध है जो मलाई उलाई सब जमा हुआ है, सबको एक बर्तन में एक कढ़ाई में डाले हुए हैं और उसे इस तरह से 10-15 मिनट तक इसी तरह इसको चलाते रहेंगे। दूध को थोड़ा गाढ़ा करेंगे और देखिए कितना अच्छा से एकदम दूध गाढ़ा हो रहा है, उबाल भी आ गई है दूध में। इसी तरह चलाते रहेंगे, दूध अच्छे से एकदम गाढ़ा करना है, बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे। अगर आपको कोई काम है तो आप स्लो करके भी दूसरा भी काम कर सकते हैं और इस तरह से बीच बीच में चलाते रहेंगे और एकदम दूध गाढ़ा हो जाएगा तो भाई आइसक्रीम बनना चाहिए। कोई गेस्ट भी आपके घर आ रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि कुछ ठंडा आइटम होना चाहिए, तो आप फटाफट इस तरह से आम के सीजन में आम का आइसक्रीम बना के दम आप रेडी रख सकते हैं। तो मैंने इसमें 2 चम्मच कस्टर्ड भी डाले हैं, ये भी पीला कलर है। 2-3 चम्मच इसमें दूध भी डाले हैं ताकि इसे मिल अच्छे से, इसे भी फेंट कर दम इसको मिक्स करेंगे। तो इस तरह से देखिए इसे भी मिक्स कर रहे हैं। इसका भी कलर इतना ही प्यारा है एकदम, ये भी येलो कलर है, मैंगो आम का भी कलर एकदम येलो कलर है, तो दोनों का कलर एकदम एक ही कलर है। इसका भी कलर येलो, आम का भी कलर येलो। इस तरह से देखिए मिक्स करके एकदम रेडी किए हैं और थोड़ा सा ये देने से, कस्टर्ड देने से इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आता है, फ्लेवर भी बहुत अच्छा इसका आएगा। बच्चे लोग को बहुत पसंद है, बच्चे लोग ने कहा मम्मी कस्टर्ड डालकर बनाइएगा, अगर आपको नहीं पसंद है तो आप नहीं भी डाल सकते हैं। तो दूध आधा गाढ़ा हो गया है तो मैंने कस्टर्ड वाला भी डाले हैं, इसे भी चलाते रहेंगे, इसे चलाते रहना, इसे दम नहीं छोड़ेंगे। अगर छोड़ देंगे तो ये थोड़ा गुलटी हो जाएगा। अच्छे से इसको भी मिक्स करेंगे ताकि ये दम मिक्स हो जाए बढ़िया से। देखिए कितना अच्छा से एकदम फटाफट ये दम गाढ़ा हो गया, एकदम बनकर आपका एकदम पूरा अच्छा से एकदम तैयार हो गया है, मलाई वलाई एकदम गाढ़ा हो गया है और इतना अच्छा दम प्यारा सा दम बन रहा है ये खोआ आपका, ये मैंगो में जाएगा तो इसका टेस्ट और भी अच्छा आएगा। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप नहीं भी डाल सकते हैं, सिर्फ खोआ का ही बना सकते हैं। इस तरह से एकदम इसे चलाते रहेंगे, इसे भी डालने के बाद आपको इसी तरह 10 मिनट तक इसी तरह इसे भी दूध, आधा दूध जब गाढ़ा हो गया था तो मैंने डाला था जो बहुत अच्छा कलर आया है, और ये ब्लेंडर में इसे डालेंगे ताकि ये अच्छे से एकदम इसको भी एकदम अच्छा से इसको भी मिक्स करेंगे और जो भी थोड़ा सा चीनी डालेंगे, थोड़ा सा आइसक्रीम मीठा होना चाहिए, अगर आपको मीठा कम पसंद है तो आप कम भी डाल सकते हैं। तो देखिए कितना अच्छा एकदम कलर आ गया है, एकदम गाढ़ा हो गया है और इसे ठंडा होने के लिए 15 मिनट छोड़े हैं। देखिए कितना अच्छा एकदम कलर भी और एकदम पूरा तरह से एकदम गाढ़ा हो गया। तो देखिए 15 मिनट हो गई है तो ठंडा हो गया और उसका देखिए मलाई वलाई भी एकदम अच्छे से, इसमें भी पीला पीला ऊपर से कलर आ गया। साड़ी को इसी तरह मिक्सी जार में डाले हैं और इसको ग्लेंडर करेंगे ताकि ये एकदम स्मूथ आपका एकदम हल्का दम बनकर ये तैयार हुआ। कितना अच्छा एकदम प्यारा कलर एकदम सुंदर सा आ गया है और इस तरह से आइसक्रीम बनेगा। देखिए कितना अच्छा शीशा वाला बॉल में इसे डालेंगे, कलर तो इतना अच्छा प्यारा है, ये जर्दालू आम है इसलिए इसका कलर बहुत प्यारा एकदम येलो कलर होता है। आप अलग मालदे आम का बनाइएगा और भी कोई भी आम का बनाइएगा तो इतना येलो कलर नहीं आएगा और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। तो ऊपर से देखिए ड्राई फ्रूट डाले हुए हैं और शीशे वाले बॉल में डालें, कितना एकदम अच्छा लग रहा है। ये डालने से एकदम आपको लगेगा आइसक्रीम एकदम रेडीमेड ऐसा लगेगा। आप घर में अगर बना के रखें, कोई गेस्ट आए तो आप एकदम सर्व कर सकते हैं। इस तरह से इसे भी कटिंग करें, इसके फ्लेवर के लिए थोड़ा ऊपर से मैंगो का जैसा स्वाद आए तो ये भी ऊपर से थोड़ा सा कटिंग करके डाल रहे हैं। कितना एकदम प्यारा एकदम सुंदर कलर आ गया है। बच्चे लोग वेट कर रहे हैं, भाई वेट तो करना पड़ेगा, ये तो 5-6 घंटा तो अभी इसको लगेगा। तो इस तरह से देखिए एकदम तैयार हो गया है और इतना अच्छा कलर आया है। तो इसे भी अब इसे 5-6 घंटा के लिए फ्रिज में इसको डाल देंगे ताकि आइसक्रीम एकदम अच्छा से एकदम ये आपका जमकर एकदम तैयार हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से इसे टाइट से इसका कवर लगा दिए हैं और ये आइसक्रीम अब बनकर तैयार हो जाएगा और ये आप 5-6 घंटा के लिए इसे फ्रीजर में रख दिए हैं और 5-6 घंटा के बाद ये आइसक्रीम बनकर एकदम तैयार हो जाएगा। तो देखिए हो गया है और इसे 10 मिनट छोड़े हैं, उसके बाद इसको आइसक्रीम को निकाल रहे हैं, सर्व कर रहे हैं। अगर ये डिश पसंद आए तो आप लोग लाइक और यह सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जो लोग वीडियो में नए जुटे हुए हैं
प्लीज़ आप लोग भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और ये डिश पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आम का सीजन है, आप लोग भी ट्राई करिए। ये डिश बनकर रेडी हो गई है, तो देखिए कितना अच्छा दम ये आइसक्रीम बनकर दम तैयार हो गया। सभी को बहुत पसंद आए, बच्चे लोग ने बोला वाह मम्मी क्या बना है आइसक्रीम, आम के सीजन में तो आइसक्रीम बनना चाहिए, सभी को पसंद है। तो आइसक्रीम बनकर दम रेडी हो गई है। थैंक यू।